बीवीएन के आसपास खुले नशा मुक्ति केंद्रों में नशा छुड़ाने के नाम पर लोगों को हर माह लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है, परंतु यहां सुविधाओं के नाम पर न ही यहां भर्ती हुए युवाओं की सुरक्षा है और न ही स्वास्थ्य के नाम पर कोई डॉक्टर। इस बात का खुलासा उसमें हुआ जब स्थानीय लोगों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि ब्रोटीवाला के पास मधाला में दिशा फाउंडेशन के नाम पर नशा केंद्र खुला है, जिसमें हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं और सोमवार सुबह यहां भर्ती एक लड़के को बुरी तरह से पीटा गया, जिसका इलाज हरियाणा के एक अस्पताल में चल रहा है। मीडिया की टीम ने पहले अस्पताल का दौरा किया और वहां सीसीटीवी फुटेज हासिल की। उसके बाद कुल्हाड़ीवाला स्थित नशा मुक्ति केंद्र का भी दौरा किया गया। यहां पर चिट्टा जैसे नशे से पीड़ित तकरीबन 30 युवा भर्ती हैं, जो कि अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। जबकि नशा छुड़ाने के नाम पर ये लोग न केवल मरीजों के परिजनों से भारी भरकम पैसा वसूलते हैं, बल्कि समय समय पर बच्चों की खुराक व अन्य सामान के लिए भी पैसा वसूलते हैं। मीडिया की टीम ने इसकी सूचना ब्रोटीवाला पुलिस को दी। SHO ब्रोटीवाला बहादुर सिंह ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को थाना तलब किया, वो पूछताछ की, वो संबंधित दस्तावेज भी चेक किए। SHO बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। लोगों का आरोप नशा छुड़ाने की बजाय दिया जाता है नशा। SP बद्दी रानी विंदु सचदेवा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दो दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र मधाला में हुई एक युवती की मौत के बाद उन्हें पता चला है कि यहां भी नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इन नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती युवकों व संचालकों का पूरा रिकॉर्ड मंगवा रही है। अगर इन नशा मुक्ति केंद्रों में कोई भी खामियां पाई गई तो कानून के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि SHO ब्रोटीवाला को इनके सभी दस्तावेज मंगवाने के आदेश दे दिए गए हैं। सर, मंदाला तो नहीं बताया, बट उन्होंने जो अपना नाम बताया उन्होंने कुलवाड़ी वाला बताया, और कुलवाड़ी वाला किसी अमर सिंह के घर से घर में वो उन्होंने किराए पे दे रखा है मकान, लेकिन जो लड़का साथ था वो नशा मुक्ति केंद्र में उसके साथ मारपीट हुई थी, तो उसकी नाक में जो चोटें थी वो मुझे दो तीन दिन पुरानी चोटें लग रही थी, तो उसको हमारे मेरे साथ तो उस लड़के ने काफ़ी डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मेरे दूसरे मैंने अगर उसका एक्सरे कराना चाहे तो एक्सरे के लिए अगर उसको भेजा गया कि नाक की हड्डी टूटी तो नहीं, तो अंदर जो मेरे एक्चुअली जो हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं उनके साथ उसने बात की कि यार प्लीज़ हमें बचा लो, हम 30-35 आदमी ऐसे हैं कि हमारे जो है तो जान खतरे में है, अगर हो सकता है तो भाई हमें एक्चुअली इन लोगों ने घर बहुत दूर तरह से पंजाब से उठा के हिमाचल में ऐसी जगह छुपा के रखा हुआ है ना, हमें तो टाइम से खाना नहीं मिलता ना टाइम से ये मिलता है। लेकिन जब फिर मैंने जानना चाहा उस आदमी से जो एक्चुअली ऐसा था, तो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ जी हमने यहाँ एक्चुअली हमारा एक छोटा नशा मुक्ति केंद्र है, लेकिन वो आदमी 5 साल बता रहा था और वो आदमी 35 बता रहा था लड़का, तो 35 लड़के हैं हम, तो उनकी एक्चुअली हालत भी काफ़ी ख़राब थी। फिर उसने किसी चोरी छुपे से जो मेरे डायरेक्ट टेक्नीशियन को एक्सरे टेक्नीशियन को नंबर अपना दिया था, फिर हमें उसके घर भी बात करना चाहिए, लेकिन उससे बेहतर हमने समझा कि हमारे पत्रकार भाई बंधु है या पुलिस है, इसमें इन्फॉर्म करना जरूरी है कि ये एक नशा बेचने वाला गिरोह ही तो नहीं है जो बच्चों को भी बर्बाद कर रहा हो और साथ में किसी को किडनैप किया गया हो और हरास कर रहे हो। बाकी तो हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। मेरे पास तो फिलहाल हाँ इस प्रकार का हरदीप या हरना कुछ इस प्रकार का पेशेंट आया है हरप्रीत नाम का, तो उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो जो पॉसिबल हो सकता था वो ट्रीटमेंट हमने की उसकी, और उसके बाद उसको उनकी लोनी लोग वो लोग अपने साथ ले गए। बट मैंने इतना जरूर पूछा उनसे कि अभी रजिस्ट्रेशन क्या हिमाचल में कैसी हुई और कहाँ से हुई, फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमें कहा कि हम आपको डॉक्टर हायर करने की सोच रहे हैं, बट मैंने मना कर दिया कि हम ऐसे जिस सेंटर का कोई रजिस्ट्रेशन बननी हो वहाँ हम काम करना ही नहीं चाहते। और बेसिकली फिर मैंने उनको बताया कि कोई भी ऐसा अगर आप करना चाहते हो काम, तो बेसिकली पहले आप डॉक्टर्स को रखो, आपके नशा मुक्ति केंद्र में कोई भी डॉक्टर नहीं है, लड़के मर सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेटेड हो सकता है, कई चीज़ें होती है जिसे हाइपर पेशेंट हो जाते हैं, जिसे एकदम से नशा छुड़वाना जो इतना आसान तो होता नहीं, तो थोड़ा वो फैसिलिटी वहाँ कोई भी इस तरह की मुझे उन्होंने बताई नहीं। बाकी उसके बाद जो उसके बारे में हमने जब बात की तो
जो आज हमें पता चला 10 तारीख को, तो मॉर्निंग ये बात हम और जगह से भी सुनी ली हमने, तो हमारे हॉस्पिटल में पत्रकार बंधु आए, उन्होंने जो हमारा CCTV कैमरे निकाल लेना है जो। उसने कहा था उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, एक्चुअली उसके चोट लगी थी जो कि आपस में एक लड़का है उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया था, तो उसके चोट लगी थी तो हमने डॉक्टर के भेजा था उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर हमने खुद ये गलत काम किया होता तो हम अपनी बात को छुपाते, फिर हम इतना ओपनली डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते उसे। सर ये आपने जो केंद्र खोला है कितने बेडेड है और इसमें कितना क्या कौन कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं और कितने? ये सर काउंसलिंग सेंटर है, यहाँ पर हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर सिर्फ एक काउंसलर्स होने चाहिए, क्योंकि जो ये डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर नहीं है। तो सर जिस लड़के ने इसको लड़के को पीटा है, अगर जो वो उसको मार भी सकता था, अगर जो वो नशे के उसमें उसने वार किया है उसके ऊपर आप का जो लड़का है जिसने उसको पीटा है, तो सर अगर जो कल को वो कुछ और भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी है आपकी? सर जी सिक्योरिटी हमारे पास 2 नाइटमैन होते हैं जो नाइट ड्यूटी देते हैं। ये जो है ये को इंसिडेंस है सर कि वो लड़का एकदम से मतलब कैसे हाइपर हुआ, जबकि उसकी मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है उसका, मतलब कोई इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जानबूझ के किया गया कोई ऐसा हादसा है, ये को इंसिडेंस है कि ऐसा हुआ हमारा। तो सर आपने यहाँ पे एक ट्रीटेड पेशेंट रखा हुआ है सर विदाउट डॉक्टर, उसको कैसे आप यहाँ पे? नहीं सर उसकी एक्चुअली काउंसलिंग सेंटर होने की वजह से उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो एक अडिक्ट है, और हम उसकी मेडिसिन जो है चल रही है उसकी, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है जो हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं और कौन से डॉक्टर से दिखा रहे हैं ये भी हमारे पास उसका रिकॉर्ड। यहाँ आपके पास कितने पेशेंट है अभी? हमारे पास यहाँ पर है इस वक्त 30 के करीब है लड़के। तो किस किस तरह के नशे वाले हैं यहाँ? ये ज्यादातर तो जी इसमें हीरोइन वाले हैं, जो चिट्टा है आज की डेट में, इसने बहुत हरियाणा पंजाब हिमाचल उत्तराखंड के अंदर बहुत ही मतलब बुरी तरह से इतना फैला हुआ है कि नौजवान लोग मर रहे हैं और लड़के बहुत बुरी तरह से मतलब पंजाब और हिमाचल के अंदर बहुत डेथें हुई हैं अभी। तो सर ये सोसाइटी आपकी कहाँ से रजिस्टर्ड है? ये हमारी पूरी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा स्टेट लेवल की सोसाइटी है नई दिशा, जो हमने शिमला से इसको रजिस्टर करवाया है। कब हुई है सर रजिस्टर? ये हमारी हुई है जी 20/6 को हुई है, 1235 रजिस्ट्रेशन नंबर है और 20/6 को ये रजिस्टर हुई है। बद्दी से आदित्य कुमार की रिपोर्ट।